बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सरसाइज 12B ऑफ बुक D2। टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। अ कॉनिकल फनल ऑफ डायमीटर 23.2 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 42 सेंटीमीटर कंटेन वाटर फिल्ड टू द ब्रिम। द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2 सेंटीमीटर। इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट। ठीक स्टूडेंट्स, इस जो है ना क्वेश्चन में ये बात है कि एक फनल है, उसका ये डायमीटर उन्होंने प्रोवाइडेड है, उसकी डेप्थ भी आपको जी है ना दी हुई है, और वो फुल एंड तक जो है ना ब्रिम उसके किनारे तक जो है ना वो फिल्ड है। वही वाटर जो है ना एक दूसरे टिन के अंदर जो है ना सिलेंड्रिकल टिन के अंदर जो है ना उसको जो है ना वो ड्रेन किया गया, डाला गया है। तो वो जो उधर डायमीटर है ना वो 16.2 है। अगर टिन के अंदर सारे का सारा पानी चले गया है तो वो टिन की हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये हमने जो है ना फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना हमने सबसे पहले जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड करना है इसका कॉनिकल फनल का, क्योंकि ये हमें वॉल्यूम फाइंड आउट होगा तो उससे जो है ना हम इसका जो है ना सिलेंडर के जो हमने टिन का वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके उधर से जो है ना वो फिर हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला 3πr² h। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब सबसे पहले जो है ना हमने कॉनिकल फनल की जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना आपको इधर रेडियस है, आपको क्या प्रोवाइडेड है डायमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, पहले जो है ना आपने जो है ना इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेना। रेडियस किस तरह फाइंड आउट होगा, ये सबको पता है कि जो है ना रेडियस जो होता है डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 इज़ रेडियस। ठीक है, ये डायमीटर, ठीक है, अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो वो रेडियस के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर डायमीटर हमें प्रोवाइडेड है 23.2 डिवाइडेड बाय 2, इसको आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 11.6 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेडियस आ गया। इधर जो है ना वो हम रेडियस की वैल्यू जो है ना वो राइट डाउन करेंगे। ठीक, इधर आ गया हमारे पास 1/3। जी स्टूडेंट्स, इधर अब ये हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो जो है ना इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। 1/3 पाई आपको मालूम है 22/7, आर आपने अभी फाइंड आउट किया है 11.6 स्क्वायर, और जो है ना इसकी डेप्थ हाइट भी आपको गिवन है 42। ठीक, ये आपने सारी वैल्यूज़ राइट डाउन की और इसको जो है ना अब हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास आता है 22 मल्टीप्लाई बाय 11.6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 42 वी गेट एंड डिवाइडेड बाय 21। 7 3s are 21 और इसको हमने डिवाइड किया 21 के साथ। ठीक, वी गेट 5920.6। जी स्टूडेंट, अब ये वॉल्यूम हमने देखें, जो वाटर इधर गया है ना जो दूसरे टिन में हमने डालना है ना, दोनों सेम है, एक जितना जो है ना वाटर है। ठीक है, इट्स मींस कि वो टिन का वॉल्यूम भी जो है ना वो इतना ही होगा। ठीक स्टूडेंट्स, इधर से जो है ना वो फिर हम हाइट जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अभी इधर आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन क्या है, 1/3πr², ये जो है ना ये आपने इधर से फाइंड किया तो ये आपके पास आ गया 5920.6। ठीक, इधर हम इस जी स्टूडेंट्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन। जो वॉल्यूम होता है ना सिलेंड्रिकल टिन का, उसका फॉर्मूला होता है πr² h। ठीक है, जो पहले हमारा ये फार्मूला था ये कोन का था। ठीक है, ये कॉनिकल शेप है, ये कोन के वॉल्यूम का फार्मूला है, लेकिन ये अब जो है ना एक सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका फार्मूला हो गया πr² h। ठीक है, ये वॉल्यूम तो इनके सेम है क्योंकि इतना ही पानी जो है ना वो उधर जो है ना ड्रेन हुआ है। ठीक, तो ये फिर आ गया 5920.6। ठीक, इधर से जो है ना हमने इसकी वैल्यूज राइट डाउन करनी है और h जो है ना वो फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, सेम हमें जो ना क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो डायमीटर प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, रेडियस की रिक्वायर्ड है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना फिर आप सेम रेडियस को जो है ना डायमीटर को जो है ना 2 पे डिवाइड कर देंगे, 16.2 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस आपके पास आ गया 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो रेडियस है सिलेंड्रिकल टिन का
वो आपके पास आ गया 8.1। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, 5920.6 ये पाई इधर नीचे और साथ ये जो है ना रेडियस आ गया 8.1 का स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये 8.1 का स्केयर आ गया, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 5920.6, पाई होता है 22/7, ये इधर आ गया। ठीक है, जो नीचे जाता है वो ऊपर, और 8.1 का स्केयर, इस पे जो है ना आपने जो है ना इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5920.6 × 7, ठीक ये आया, और इसको आपने डिवाइड करना है 22 और अगेन डिवाइडेड बाय 8.1 स्क्वायर से। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स, हाइट आ गई है आपके पास 28.7। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इट्स सॉल्वड सेंटीमीटर्स में। Now students, question number 10, a conical block of silver has a height of 16 cm and a base radius of 12 cm. The silver is melted to form coins of 1/6 cm thick and 1.5 cm in diameter. Find the number of coins that can be made. Situation is question mein ye hai ki jo na aapko ek block diya gaya hua silver ka jiski height di gayi 16 cm aur uska radius bhi diya gaya hua, base radius jo na 12 cm hai. उस कॉइन को जो है ना, ब्लॉक को जो है ना मेल्ट करके जो है ना वो कॉइन्स बनाए गए हैं। ठीक है, वो कॉइन्स की थिकनेस क्या है, 1/6 cm थिक है और इतने सेंटीमीटर जो है ना उनका डायमीटर है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि ये इस ब्लॉक को जो है ना वो मेल्ट करके, सिल्वर के ब्लॉक को मेल्ट करके वो आगे कितने कॉइन्स जो है ना वो बने हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स के जो है ना हमने जो है ना वो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि इसका कितना उसके अंदर से सिल्वर जो है ना वो निकला जिससे जो है ना वो ये बन गया। फिर हमने फाइंड करना है एक कॉइन का जो है ना वॉल्यूम, कि एक कॉइन का जो है ना वो एक कॉइन कितने वॉल्यूम का बनेगा जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे। फिर स्टूडेंट्स जो है ना हम उसको डिवाइड कर देंगे एक, तो फिर हमारे पास जो है ना एक कॉइन की जो टोटल हमारे पास पूरा सिल्वर प्रोवाइडेड आएगा, वॉल्यूम आएगा उस पर एक कॉइन के सिल्वर से जो है ना हम डिवाइड कर, तो फिर हमारे पास जो है ना वो आ जाएंगे कि कितने कॉइन्स जो है ना वो हमारे मेड होंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया जो है ना वो हमने लिखना वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल ब्लॉक। ठीक है, कॉनिकल ब्लॉक, अब ये कोन की शेप में है तो इट्स मीन्स के फॉर्मूला होगा 1/3 πr² h। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया। अभी इधर हमें प्रोवाइडेड क्या है, हमारे पास हाइट भी है, ठीक हमारे पास रेडियस भी है, ठीक हमने वैल्यूज राइट डाउन करनी है, इसको सॉल्व कर लिया, वेरी सिंपल, 1/3 π ये 22/7, रेडियस है हमारे पास 12 का स्केयर और हाइट है हमारे पास 16। ठीक, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 22 × 16 × 12 स्क्वायर ये आ गया और डिवाइडेड बाय 21 वी गेट 2413.7। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया उसका, इसका सिल्वर ब्लॉक का, इतना जो है ना उसके अंदर सिल्वर है ब्लॉक के अंदर। ठीक, नेक्स्ट हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है कॉइन का वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है कॉइन का, कॉइन आपको पता है कि वो राउंड शेप होता है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना वो होगा πr². ठीक है, πr². अब इधर जो है ना हमें प्रोवाइडेड क्या है, एंड डायमीटर प्रोवाइडेड है, हमने इसको जो है ना वो रेडियस में कन्वर्ट करना है, इट्स मीन्स के जो है ना इसको हमने 2 पे जो है ना वो डिवाइड कर देना है। ठीक फ्रेंड्स, ये रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2।
रेडियस, डायमीटर है हमारे पास 1 1/2 / 2, ये हमारे पास आ गया रेडियस 3/2, और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया हमारे पास 3/4। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ गया 3/4। ठीक, अब इस वैल्यूज में जो है ना वो हम इसको राइट डाउन करेंगे और जो है ना इसको सॉल्व कर देंगे। पाई 22/7, रेडियस हमारे पास आ गया 3/4 का स्क्वायर, और हाइट जो है वो है हमारे पास 1/6। ठीक, थिकनेस हो गई ना उसकी कि इतना थिक है, इतना हो गई, इतना थिक है वो, जिस तरह थिक होगा उसके मुताबिक जो है ना वो थिकनेस में ही हाइट आ गई। ठीक है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो है ना हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा एक कॉइन का 22 × 3² / 6 / 4² एंड डिवाइडेड बाय 7। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 0.2। ठीक, ये हमारे पास आ गया 0.29 है, तो बेशक इसको 3 लिख लें या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख लें, 0.95, ठीक है, सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास थिकनेस आ गई इसकी जो है ना वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट का जो है ना वो आ गया। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है जो है ना नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि कितने इससे बांध सकते हैं। ठीक है, इस टोटल वॉल्यूम के साथ जो है ना वो हम इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो जो है ना वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेशक लिख लें नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन ये टोटल वॉल्यूम है, इससे ये एक है तो वो हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा जो है ना कि इससे जो है ना वो इतने पॉइंट्स जो है ना वो भर सकते हैं इस वॉल्यूम से, अगर हमें होगा नंबर ऑफ पॉइंट्स मेड किसके वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ सिल्वर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वन पॉइंट या वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ये जो है ना आपने जो है ना इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ सिल्वर जो है ना वो आपको प्रोवाइडेड है 2413.7, और एक कॉइन का 0.295। ठीक है, इसको आप इस पर डिवाइड कर दें तो जो है ना वो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 2413.7 डिवाइडेड बाई 0.295 एंड वी गेट 8182। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास आ गए कॉइन्स, हम जो है ना इससे जो है ना वो इतने कॉइन्स जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया 8182 कॉइन्स। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स यही हमने इसका फाइंड आउट करना था, हमने आंसर फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व। Now students, question number 11, an open cone has a circular base of radius 10 cm and a slant height of 20 cm. Draw the net of a cone and label its dimensions. ठीक है, एक ओपन कोन, इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर जो है ना हमने बस जो है ना ये रेडियस गिवन है और ये भी गिवन है, हमने एक नेट सा ड्रॉ करना है कोन का ना, और उसकी डायमेंशंस बतानी है क्या है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो है ना वो आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है, जो बेस एरिया नीचे सर्कल होता है, एक कोन के नीचे सर्कल होता है, तो उसके जो है ना वो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन है ना वो 2πr है। ठीक है, जी ये है 2πr, ये 2 और पाई आर आपको गिवन है 10, तो ये हो गया 20π। ठीक है, ये भी इसलिए की है, फाइंड की है कि जो है ना हमने उसकी डायमेंशंस को जो है ना वो मेंशन करना है। ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, एक कोन का जो है ना वो है, देखें ये अगर हम इसको यूं करते हैं ना तो ये इट्स चेंज इनटू कोन शेप। ठीक फ्रेंड्स, इसकी जो है ना वो आपने डायमेंशंस मेंशन कर देनी है, देखें। ठीक है, ये कोन बन गई। ठीक है, इधर कुछ बनाना कुछ करना नहीं इसको, इस तरह जो है ना ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये जो सारा सर्कमफ्रेंस आया, ठीक है, ये आपके पास आ गया 20π,
ठीक है, क्योंकि ये देखें जब यूं टर्न होती है ये बेस सर्कल बन जाता है और ये इसका जो है ना ये सर्कमफ्रेंस हो गया, ये एक ओपन कोन है, तो ये जो है ना इसको हम जो है ना ये कर लेंगे ये 20 पाई है, ठीक है। और रेडियस जो है ना इसकी डायमेंशंस बतानी है, ये इधर तक इसका रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, ये बस है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11। Now students, question number 12. The semicircle shown in folded to form a right circular cone so that the arc PQ becomes the circumference of the base. Given that the diameter of a semicircle PQ is 10 cm, find the diameter of a base and the curved surface area of a base. ठीक है, ये हमें जो है ना एक सेमी सर्कल प्रोवाइडेड है, इसकी जो है ना वो हमें डायमीटर इसका सेमी सर्कल का मालूम है कि ये जो है ना 10 सेंटीमीटर का है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड करना है एट द डायमीटर ऑफ अ बेस, जो कोन बनती है ना इसकी, ये देखें ये हो गई, इसको इस तरह टर्न करें तो इस तरह इसको अगर टर्न करें ना हम, तो ये जो है ना वो कोन की एक शेप जो है ना वो बन जाती है। ठीक स्टूडेंट्स, जैसे ये एक सेमी सर्कल है और ये मिड पॉइंट ज़ीरो आ गया, ठीक है, इसको अगर हम यूँ टर्न करें ना तो ये बेस, जी ये जी स्टूडेंट्स, ये देखें ये सेमी सर्कल जो है ना वो बेस में, ये जो बेस का ये जो है ना डायमीटर ऑफ द बेस, ये डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर जो बेस है ये हमने जो है ना फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो है ना वो आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस ये सेमी सर्कल का, ये हमने सर्कमफ्रेंस जो है ना वो फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला है 1/2 πd। ठीक है, इधर मैंने आर नहीं लगाया, पिछले सब क्वेश्चंस में आर लगा के सॉल्व किया, क्योंकि इधर हमें डी प्रोवाइडेड है, डायमीटर प्रोवाइडेड है, तो जो है ना आप इधर डी लगा लें, ठीक है, आर भी लगा लें तो आपको पता है कि वो डी डिवाइडेड बाई टू जो होता है ना वो आर के इक्वल होता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो इधर पाई आर आ जाएगा, लेकिन फिर आपको वही करना पड़ेगा। ठीक, इधर हमने इसकी जो है ना ये वैल्यू राइट डाउन करेंगे, पाई इसको पाई या लिखा रहने दें, ठीक है, पाई इसको राइट डाउन रहने दें, और इधर डी आपके पास आ गया 10, ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया, ये आपके पास आ गया 5 r। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल का जो था सर्कमफ्रेंस था, यही सर्कमफ्रेंस जो है ना उसका है कोन का, क्योंकि इसी को इसी शेप की जो है ना वो कोन में जो है ना सेमी सर्कल को हमने जो है ना वो कोन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इट्स मीन्स कि वो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन है वो किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन है वो इक्वल है 5 π, ठीक है, क्योंकि यही सर्कमफ्रेंस जो है ना वो उसमें चेंज हो गया था। अब जो है ना इधर सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन का जो है ना वो आप फॉर्मूला राइट डाउन कर लें, ठीक है, ये देखें ये इधर सेमी सर्कल है, लेकिन जब हमने इसकी बेस बनाई उसकी तो वो पूरा सर्कल ही बनता है, ठीक है, तो वो फिर उधर फॉर्मूला होगा पाई डी। ठीक स्टूडेंट्स, ये पाई डी हो गया, पाई डी किसके इक्वल है, 2 π 5 π के इक्वल है, ठीक है, डी हमने जो है ना वो सर्कल का जो है ना वो फाइंड आउट करना है, डायमीटर हमने फाइंड करना है, दी डायमीटर ऑफ अ बेस, ये पाई पाई के साथ कैंसिल एंड डी इज इक्वल टू 5 cm जो है ना वो सॉल्व हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, हमने पार्ट नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस है ना एरिया ऑफ द कोन वो हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक, अब कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन का आपको पता फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, अब जो हमें इधर जो है ना प्रोवाइडेड है कर्व्ड सरफेस, वो जो कोन का जितना सारा सरफेस कर्व्ड हुआ हुआ ना उसका जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, पाई आर एल, वो हमें डायमीटर प्रोवाइडेड है जो कि हमने फाइंड आउट किया डी इज इक्वल टू 5 cm। अब हमने इसको रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस में आपको पता है कि डायमीटर को अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने डिवाइड किया डी किसके इक्वल होता है, आर इक्वल होता है डी डिवाइडेड बाय टू,
ठीक है, डायमीटर हमारे पास 2, इसको हमने इस पे डिवाइड किया, 5 पे डिवाइड किया, तो रेडियस हमारे पास आ गया 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। इधर जो है ना वो आप सारी वैल्यूज इसकी राइट डाउन कर दें तो जो है ना वो आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये पाई की वैल्यू आ गई आपके पास 22/7, ठीक है। आर आपने अभी फाइंड आउट किया 2.5, और लेंथ भी जो है ना वो स्लांट हाइट जो है ना वो डायमीटर की इक्वल है, ठीक है। जो लेंथ उसकी है ना वो किसके इक्वल है, कर्व्ड सरफेस एरिया की, वो डायमीटर के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, तो डायमीटर हमारे पास क्या है, 5 × 5, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। 22 को मल्टीप्लाई कर लें 2.5, 22 × 2.5 × 5 एंड डिवाइडेड बाय 7, वी गेट 39.3, ठीक है, राउंड ऑफ करके मैंने लिख लिया, 39.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स एरिया ना, इस वजह से स्क्वेयर पे वैल्यू आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर ऑफ सेल्फ।